यहीं पर बैठे थे आप? हाँ, यहीं पर थे हम बैठे, बच्चे के लेके पानी लाने घर गए थे, देखा जा नहीं भाई पाए, वो आग लग गया मुझे उसके घर से। बच्चा भी यहीं पर था? बच्चे भी मेरा था और एक पड़ोसी का छोटा बच्चा 1.5 महीने का भी था यहीं पर। अचानक से आग लग गई? अब पता नहीं भैया मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर पड़ी थी, मैं तो खाना 7 बजे सुबह में ही बना लिया था, पता नहीं कहाँ से लगा, उसी के घर में आग लगा था, फैल गई फिर आग। हाँ, हवा बह गया पूरे, तुरंत लग गया मेरे घर, उधर से इधर लपेट लिया। क्या क्या सामान था अंदर? 2 झुग्गी था, सिलाई मशीन, 1 साइकिल, बेड और 5,000 रुपए रात में लाया था हिसाब करके वो भी था, राशन पूरे कट्टे भरे हुए थे सारे जल गया, और बेड में बहुत सामान था, सिलाई मशीन करती दूसरे का भी बहुत कपड़ा था, मेरे घर में सारे के भी जल गया। सिलाई मशीन करके दिहाड़ी मजदूरी? मैं विकलांग हूँ, मैं सिलाई मशीन करती, मेरे पति दिहाड़ी करता। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां आप देख सकते हैं बहुत से आशियाने जो है जलकर खाक हो चुके हैं। जी हाँ, सारे परिवार यहां खड़े हैं और ये झुग्गियां आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इनका सामान इसमें खाने से लेकर पैसे तक जल चुके हैं। जी हाँ, पूरी तरह से आप ये देख सकते हैं किस तरह से आग जो है फैलती है लगातार, सारे जो है घर जल जाते हैं, वहां तक कम से कम भी 10 से 12 झुग्गियां जो है जलकर खाक हो चुकी हैं। जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के लिए फोल्डिंग देख सकते हैं, खाना बनाने का सामान देख सकते हैं, बर्तन देख सकते हैं, सब कुछ जो है जलकर खाक हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। जी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत से जो है अपना घर इन्होंने बनाया होगा, उसके बाद आप सारे हालात देख सकते हैं। ये बेड है, बेड के अंदर रखा हुआ सामान भी जल चुका है, कपड़े जल चुके हैं, बुरी तरह से आग जो है फैल जाती है। इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर जो है ये आग कैसे फैली, फिलहाल कहा जा रहा है कि खाना बना रहे थे उसके बाद पूरी जो है यहाँ पर आग लग जाती है, 10 से 12 जो है झुग्गियां जलकर खाक हो जा सकती है। आप ये बच्चे देख सकते हैं कि अभी फिलहाल ये लोग बेघर हो चुके हैं। जी हाँ, बेघर हो चुके हैं, करनाल की सेक्टर 32 में आप ये हालात देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से सब कुछ जो है जलकर खाक हो चुका है। जी हाँ, ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये लोग खाएंगे कहाँ से और सोएंगे कहाँ पर। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं सारा सामान, बर्तन अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं खाने के बर्तन ये नजर आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर सोने का सामान सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनाज है, जी हाँ ये अनाज है, ये चावल के दाने हैं जो ये बनाकर खाते हैं, आप उसका हालत देख सकते हैं, खाने की भी कितनी ज्यादा जो है सब कुछ जल गया है। जी हाँ, अंकल जी आपकी झुग्गी भी जल गई है। हाँ। क्या कहना चाहोगे, कैसे जल लगी आग, कैसे? हम ले काम में लिया, हम काम पे थे, काम में लिया, मेरा भाई नहीं दिया खाने ने, तब दो तैयार पूरा चीज जल गया, 10,000 रुपया ले वो चीज जल गया, पैसे भी जले, पैसे जला, देख सकते हैं कितने जो है पैसे जल चुके हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद होनी चाहिए, मैं आपसे एक बार अपील करूंगी कि सेक्टर 32 में ये इलाका पड़ता है, जो भी लोग जो है इनकी मदद करना चाहते हैं, कम से कम इनकी घर बनाने में तो मदद जरूर होनी चाहिए, ताकि जो है ये छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर रह सके। धूप आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है होने लगी है, सब कुछ जल कर खा, कोई नहीं, अंकल जी चुप हो जाओ, अभी थोड़ी मदद हो जाएगी ना, घर हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। और आपका मतलब बच्चे सब सुरक्षित हैं, बाकी बच्चे आए सब सही, अनाज सब चीज जल गया, तो नया बेड लिया, कल भजवा निभे किया बेड, बेड भी जल गया, 5,000 बेड निभे किया, मौके पर फायर ब्रिगेड आ गई थी, हाँ पानी वाली बुझाने के लिए, हाँ पानी बनाया 3 टनकर, गैस लिया पहले का सिलेंडर, कोई आया आसपास से और कोई आया है? अच्छा भी बगल वाला सब लिया, देख सकते हैं कि कितने ज्यादा जो है यहाँ पर बुरे हालात हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बुरी तरह से सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अगर वही बात करें आग यहाँ से फैलकर वहां तक, आप देख सकते हैं कि कुछ भी जो है नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जी हाँ, इन लोगों का सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आपसे अपील ये रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मदद के लिए भी जरूर आगे आए। आप ये सामान देख सकते हैं, सोने का सामान आप देख सकते हैं, फोल्डिंग, खाना बनाने का बिस्तर
और अगर यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हैं कि खाना, जी हाँ खाना, ये आटा चावल सबसे ज्यादा अनाज जो है इनका खत्म हो गया है और पैसे बताए जा रहे हैं, पैसे भी बहुत से इसमें जले हैं। ये खाना देख सकते हैं, पैसे जल गए आपके भी, कुछ हम निकाले नहीं पाए मैडम, सारा चीज जल गया, निकालने के मौके नहीं मिला था। तो भैया आग लगी कैसे, कुछ पता चला? आग हम लोग टीवी देख रहे थे, पता नहीं चला आग कैसे लगा था, क्योंकि एकदम से सभी सब कुछ जल गया। हम बच्चा के निकालने की कोशिश किए, बच्चा भी निकल नहीं रहा था, सो रहे थे। हाँ, तब मैंने बच्चा को पहले निकाला। ठीक है बच्चे? बच्चे ठीक है, वो छोटे, बहुत छोटे बच्चे। देख सकते हैं कि सब कुछ जो है खत्म हो गया है सेक्टर 32 की झुग्गियों में। जी हाँ, आग लग गई। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। जी हाँ, शेयर जरूर करें। ये सब कुछ जो इनका खत्म हो गया है, आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है एक घर बनाने में कितना समय लगता है। ये लोग दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपनी झुग्गियां बनाते हैं जिसके अंदर रह सके, बच्चे रह सके और खाना खा सके। तो आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा रोती हुई वो नजर आ रही है। उनसे बातचीत करेंगे कि ये बच्चे थे, ये इसको मैंने बचाया किसी तरह, अंदर थे ये बच्चे, ठीक है। हाँ, इसको मैंने किसी तरह गेट पे घींच के लाया था, ये बच्चे अंदर सो रहे। तो आग बुझाने वाली गाड़ी आ गई थी? हाँ, आ गई थी गाड़ी, मगर जलने के बाद आए थे। जलने के बाद हाँ, जब जल के खाक हो गए तब आया था। आग लगी कैसे, कुछ पता चला? आग पता नहीं चला सर, हम लोग अंदर देख रहे थे टीवी बैठ के, अब उसको ये छोटा बच्चा था, उसको दवाई पिला के मैं बैठा था वहाँ पे। तो देख सकते हैं 10:30 बजे आग लगी है और आग के जो है कारणों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं कि किस तरह से सारा जो है उनका घर जल चुका है। जी हाँ, घर पूरा खत्म हो चुका है। आप लोगों को इस तरह से इनके हालातों में मदद के लिए सभी को जो है आगे जरूर आना चाहिए। जो आपसे मदद हो वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ के हालात देखेंगे तो आपको भी रोना आ आएगा कि बुरी तरह से जो है महिला जिनका पूरा घर खत्म हो गया है उन पर क्या कुछ जो है बीत रही होगी और कितनी बुरी तरह से वो रो रही है। देख सकते, आप ये देख सकते हैं कि कितने बुरे जो है यहाँ के हालात हैं। महिला जो है कहीं ना कहीं बेहोश होती नजर आ रही है। ये रहा पानी, पानी ये लो, पानी पिलाओ, थोड़ा पानी पानी पिला दो, पानी। करना वो अपना अथी है न, भगना होते न बच्चा कना वो सामान कना ही काटते। देख सकते हैं कि कितने जो है बुरे हालात यहाँ पर हैं, क्योंकि महिला जो है बेहोश होती कहीं ना बहुत देर से जो है ये रो रहे हैं। आपसे अपील यही रहेगी कि मदद के लिए आगे आए। और ये घरों के हालात आप देख सकते हैं बुरी तरह से जो है खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर घर आपको कहीं नजर नहीं आएगा, ये जमीन, ये काली जमीन जो है आपको सिर्फ नजर आ रही होगी। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर करें। और परिवार की हालत भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गरीब ये परिवार है, झुग्गियों में रहते हैं और किस तरह से जो है गुजारा चलता है। दिहाड़ी मजदूरी करते? हाँ, जहा देता है 400 रुपया देता है, सारे दिहाड़ी मजदूरी। हाँ, ये देख सकते हैं सारे जो है दिहाड़ी मजदूरी वाले ही हैं। किस तरह से इन्होंने घर बनाया होगा, क्योंकि एक झुग्गी को बनाने में कम से कम भी 4-5 हजार से ज्यादा का जो है खर्च आ जाता है। ये सारा जो है जलकर खाक हो चुका है। जो इन्होंने सामान सजोया हुआ था वो भी खत्म हो चुका है। जी हाँ, वो भी खत्म है। बच्चे आप देख सकते हैं छोटे छोटे, और महिलाओं की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। किसी तरह जो इन्होंने अपनी जान बचाई है, महिला देख सकते हैं बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, छुप हो जाओ, छुप हो जाओ। कैसे लगी आग? मैं नहीं जानती दीदी, मैं ये खाना बनाया था 7 बजे, मैं यहाँ पर लेटी तो मैं सोचा घर में जा रहे हैं पंखा चला के सो जाएंगे, पता नहीं क्या मन हुआ यहीं पे सो गया। पानी लाने के लिए गया था, पानी लाने कैसे पानी लाने जा रहे थे, बगल वाले के घर में आग लगा था। मैं जा रहा था, मेरे घर में रुपये पैसे था 5,000 रुपये, सिलाई मशीन, बेड, साइकिल सारे कुछ जल गया। राशन भरे भरे राठी कट्टा लाए थे, सारे खत्म हो गया। सिलाई मशीन था वो भी जल गया, दूसरे का कपड़ा भी बहुत था घर में, सारे खत्म हो गया। सिलाई मशीन पे काम करता हूँ, मैं विकलांग हूँ,
मेरा पति दिहाड़ी करता है। आप ये हालात जो है देख सकते हैं, इन लोगों की मदद था, दो जुगी था, दोनों जुगी जल गया, मेरा दो जुगी था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, छुपो जो। आप ये हालात देख सकते हैं यहाँ के, सेक्टर 32 का जो है ये इलाका लगता है यहाँ की झुगियाँ। तो आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करें और मदद के लिए जरूर आगे आए। किस तरह से जो है परिवार जो है बेघर हो चुके हैं, बहुत से परिवार, कम से कम भी 10 से जो है 12 झुगियाँ यहाँ पर है, सेक्टर 32 का ये इलाका है। मैं बार बार यही बताना चाहूँगी कि हमारे करनाल में बहुत से समाज सेवी हैं, बहुत से प्रतिष्ठित जो है लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए मदद के लिए। जी हाँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं अपना सामान कहीं ना कहीं निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।